हैदराबादी बल्लेबाजों ने निकाली हार्दिक की अकड़, इतना पीटा कि बीच मैच पंड्या ने कर दी सरेंडर। पहले मैच में रोहित को बाउंड्री लाइन भेज रहे थे, दूसरे मैच में रोहित के आगे गिड़गिड़ाते दिखे। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले में वो सब कुछ देखने को मिला जो फैंस देखना चाहते होंगे। कप्तान के रूप में हार्दिक पांड्या के लिए बुरी रात थी, क्योंकि उनकी टीम ने 20 ओवर में 277 रन खाए, जो कि आईपीएल इतिहास में किसी भी टीम का बेस्ट स्कोर था। जी हाँ, मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड बना दिया है, बैटिंग में नहीं बॉलिंग में, और रिकॉर्ड भी ऐसा जो लोग याद नहीं रखना चाहेंगे। खैर, इनके चाहने से क्या ही होना है, रिकॉर्ड तो किताबों में लिख लिए जाते हैं और ये हमेशा हमेशा के लिए याद रहते हैं। ऐसी ही रिकॉर्ड की वजह से भरी रात में कप्तान हार्दिक की खूब खिंचाई हुई। एक बार फिर से हार्दिक ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग चुनी, बुमराह को शुरू में गेंद नहीं दी, यानी हार्दिक ने गुजरात के खिलाफ मिली हार से कुछ खास नहीं सीखा था। उन्होंने बुमराह को चौथे ओवर के लिए बुलाया, लेकिन तब तक स्कोर बोर्ड पर 40 रन चढ़ चुके थे, इसमें से 31 रन तो एसआरएच के ओपनर ट्रेविस हेड ने अकेले ही बना डाले थे। उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों पर ये रन बनाए थे, इसमें से 22 तो तीसरे ओवर में ही आ गए, यानी बुमराह के आने तक माहौल पूरी तरह से हैदराबाद की ओर जा चुका था। हार्दिक की इस गलती ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी, लोगों ने उन्हें खूब सुनाया, और इन सब के बीच अब एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि रोहित शर्मा फील्ड सेट कर रहे हैं, वो हार्दिक को डीप में फील्डिंग के लिए दौड़ा रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हार्दिक ने कप्तानी में सरेंडर कर दिया हो और रोहित शर्मा फिर से टीम को संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि मैच से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें से एक में दिख रहा है कि बात बिगड़ते देख पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने मोर्चा संभाला और हार्दिक पांड्या को सीमा रेखा के पास फील्डिंग करने के लिए भेज दिया। इस पर क्रिकेट फैंस मौज लेते नजर आ रहे हैं। कुछ ने लिखा कि रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या से बदला ले लिया है, तो कुछ ने कहा कि हार्दिक को फील्डिंग के लिए सही जगह भेज दिया गया है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में हार्दिक पांड्या को सीमा रेखा की ओर भागते हुए देखा जा सकता है और रोहित शर्मा उनसे कुछ कह रहे हैं। कमेंटेटर्स को तो ये भी कहते हुए सुना जा सकता है कि कप्तानी में रोहित की भागीदारी अब देखी जा रही है। हार्दिक पांड्या फील्डिंग करने के लिए सीमा रेखा पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले मैच के 20वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को फील्डिंग के दौरान सीमा रेखा के पास भेजा था। इस दौरान उनका रोहित को आदेश देने का तरीका फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वहीं इस मैच की बात करें तो हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हाई स्कोरिंग इंडियन प्रीमियर लीग 2024 मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस पर 31 रन से जीत हासिल की। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले 3 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए, जो कि आईपीएल इतिहास का सर्वाधिक स्कोर है। इसके बाद रोहित शर्मा और ईशान किशन ने मुंबई इंडियंस को तेज शुरुआत भी दी। हालांकि 2 विकेट जल्दी गिर जाने से हैदराबाद को मैच में वापसी करने में मदद मिली। टीम के लिए तिलक वर्मा ने ताबड़तोड़ 50 जड़ा, जबकि बाकी बल्लेबाजों ने भी तेजी से रन जोड़े, लेकिन टारगेट इतना बड़ा था कि इससे काम नहीं बना। वहीं हार्दिक पांड्या इस दौरान 20 गेंदों पर 24 रन बनाए, जो कि मैच के लिहाज से काफी अच्छी पारी नहीं कही जा सकती है। इसको लेकर भी हार्दिक पांड्या को खूब टारगेट किया जा रहा है।